इंसान, यही वो हालत है जिससे तू भागता था, और सूर फूंका जाएगा, यही अजाब की धमकी का दिन है। और हर शख्स हमारे सामने इस हाल में आएगा कि एक फरिश्ता उसके साथ हांकने वाला होगा और एक उसके आमाल की गवाही देने वाला। ये वो दिन है कि इससे तू गाफिल हो रहा था, अब हमने तुझ पर से पर्दा उठा दिया तो आज तेरी निगाह तेज है। और उसका हम नशी फरिश्ता कहेगा कि ये आमाल नामा मेरे पास तैयार है। हुक्म होगा कि हर सरकश नाशुकरे को दोजख में डाल दो, जो माल में बुखल करने वाला, हद से बढ़ने वाला, शुबे निकालने वाला था, जिसने अल्लाह के साथ और माबूद मुकर्रर कर रखे थे, तो उसको सख्त अजाब में डाल दो। उसका साथी शैतान कहेगा कि ऐ हमारे परवरदिगार, मैंने इसको गुमराह नहीं किया था बल्कि ये आप ही रस्ते से दूर भटका हुआ था। अल्लाह कहेगा कि मेरे हुजूर में रद्दोकद न करो, मैं तुम्हारे पास पहले ही अजाब की वईद भेज चुका था, मेरे यहां बात बदला नहीं करती और मैं बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। उस दिन हम दोजक से पूछेंगे कि क्या तू भर गई, वो कहेगी कि कुछ और भी है, और बहिश्त परहेजगारों के करीब कर दी जाएगी कि उनसे मुतलक दूर न होगी, यही वो चीज है जिसका तुमसे वादा किया जाता था, यानी हर रुजू लाने वाले, हिफाजत करने वाले से, जो रहमान से बिन देखे डरता रहा और रुजू करने वाला दिल लेकर आया, उसमें सलामती के साथ दाखिल हो जाओ, ये हमेशा रहने का दिन है, वहां जो चाहेंगे उनके लिए हाजिर होगा, और हमारे यहां और भी बहुत कुछ है।